पीछे इधर का अंदर को साइड हो गया साइड हो गया आप लोग नहीं फर्स्ट सामने भाई सामने सामने अरे रुक जाइए यार कहां आ जाओ इधर जगह मेला घुस जाने का ना इधर जगह मेला घुस जाने का समझ नहीं करे कुछ भी अब पहले 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 हाथ पहले रास्ता रास्ता बना दे आमिर भाई आमिर भाई मेरे दिल को छू गई कहानी पीके की और जो किरदार है मेरा और मैं जब कहानी सुन रहा था राजू जी कहानी सुना रहे थे तो कभी मैं हंस रहा था कभी रो रहा था बहुत ही कमाल की कहानी है पीके की मैं कहानी तो नहीं बता पाऊंगा मैं नहीं चाहता कि आपका मजा किरकिरा हो जाए फिल्म देखने का लेकिन जिस तरह राजू जी अपनी हर फिल्म में कुछ अहम बात बोलते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बात कहते हैं वो इस फिल्म में भी आपको दिखाई देगी इसमें जो हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स थे उन्हें डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इसमें हम चाहते हैं जो पीके का किरदार है वो बड़ा निराला किरदार है तो उसमें जो जिस किस्म के कॉस्ट्यूम्स चाहिए तो आपको जहां भी ऐसा कुछ शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट दिखे जो आपको सही लगे आप उस बंदे से रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट करके उनसे अगर वो देंगे तो आप उनसे ले लीजिए उनको बदले में आप जो वो मांगे आप उनको दीजिए उनको कोई नया टी शर्ट जीन्स दे दीजिए तो इस तरह से इस फिल्म में जो मेरा किरदार सारे कपड़े जो मैंने पहने इस फिल्म में वो किसी न किसी के ऑलरेडी पहने हुए हैं अरे पहचाने नहीं का हमका है हम पीके हूं पीके नमूना नमूना समझते हो ना सैंपल सैंपल था वो गलतियां सुधारने की आदत थी उसे हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम जितने पैसे चाहिए निकाल लो और हर सुनसान गली में होती है कपड़ों की दुकान जो पसंद आए पहन लो लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था मेरा दोस्त एक बूंद तक नहीं पी थी उसने पर नाम था पीके